नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है और मैं आज पहुंचा हूं हरियाणा की राजधानी, राजनीतिक राजधानी जींद में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हिसार हॉट सीट बनी हुई थी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में जो हॉट सीट बनेगी हरियाणा की राजनीति में, वो बनेगी जींद। इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सीनियर पत्रकार विजेंद्र कुमार। विजेंद्र भाई, आपका हरियाणा फाइल्स में स्वागत है। सबसे अहम और ज़रूरी सवाल, आपके जींद जिले में 5 विधानसभाएं आती हैं और टिकटार्थियों की जो भीड़ है पूरे हरियाणा में ही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 5 विधानसभाओं से यहाँ टिकटार्थी कौन कौन है, और जो 2019 में किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने चला था, पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा योगदान जींद जिले से था, जिंदा जिलों की धरती, इस बारे में मुझे आपसे जवाब चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अब की बार का सचिन जी जो विधानसभा चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत एक अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा। जिस प्रकार अभी लोकसभा के परिणाम आए, जींद जिला बेशक 5 विधानसभाएं हैं, वो खुद की कोई लोकसभा नहीं है, सीट नहीं है, लेकिन 3 MP जींद जिला बनाने का काम करता है। नरवाना सिरसा में आता है, उचना हिसार में, और सफीदो जुलाना जींद सोनीपत में आता है। तो तीनों एमपी कांग्रेस के बनाए जींद जिले ने। अब की बार आपने जिक्र किया 2021 का जो आंदोलन भी था, 13 महीने जो आंदोलन चला, उसका इम्पैक्ट बहुत इस जिले के अंदर रहने वाला है। हरियाणा में जितनी हाईएस्ट जो किसानों की डेथ हुई, जो मौत हुई, सबसे ज़्यादा जींद जिले से हुई। सबसे अगर कोई मजबूत किसान आंदोलन था तो वो जींद जिले के अंदर था, और वो जो करंट है वो अभी तक लोगों में है। लोकसभा चुनाव में देख लिया, इसका परिणाम बिल्कुल सामने है कि जींद जिले से 3 MP बना के भेजना, एक तरफा इन लोगों ने वोटिंग की है, अपनी पीछे बात भी हुई थी इस बारे में। तो कुल मिला के ये जो करंट है, जो 4-5 साल से लगातार बना हुआ है जी, लोकसभा में देखा, विधानसभा में भी वही करंट आपको देखा। जी, करंट की जहाँ तक आपने बात की, मैं बीच में कहना चाहूँगा कि अभी तक किसानों ने भुगता है, जो पुलिस ने उनका दमन किया, जो सरकार ने उन पर जा किया, कि अब तक किसानों को अब समय है, किसान उसको सूद समेत सरकार को वापस लौटाएंगे अपनी वोट की चोट से। तो लोकसभा में उन्होंने झटका दिखा दिया है, विधानसभा में क्या तैयारी है किसानों की? विधानसभा में देखिए, अब की बार आपने जिक्र किया कि हिसार हरियाणा की सबसे हॉट सीट थी। अब की बार जो उचाना कला है, जहाँ से दुष्यंत चौटाला मौजूदा विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, खैर अब उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, सरकार से गठबंधन टूट चुका बीजेपी से, तो वो जो सीट है उचाना, अब की बार बहुत हॉट रहने वाली है, बहुत चर्चित सीट रहेगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी ऐलान कर चुके हैं कि चाहे लिख कर ले लो, उचाना से चुनाव लड़ूंगा। वीरेंद्र सिंह 50-52 साल से राजनीति उचाना से कर रहे हैं, उनके बेटे के लिए वो जमीन तलाश रहे हैं ब्रिजेंद्रा के लिए, जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी को छोड़ा और कांग्रेस में शामिल हुए, वो गांव-गांव घूम रहे हैं। इसके अलावा चौटाला परिवार जो 2 फाड़ हो चुका है, अभय सिंह चौटाला भी दावा कर रहे हैं कि कोई ना कोई यहाँ से उम्मीदवार परिवार से दिया जाएगा। इसके अलावा अभी जो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण जो बात होगी, जो हमें देखने को मिलेगी, वो किसानों ने भी एंट्री कर दी है। अच्छा, किसानों ने 12 जुलाई को महापंचायत बुलाई उचाना में। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक पंचायती उम्मीदवार को उतारा जाएगा, क्योंकि लगातार चौटाला परिवार से जो है नाराजगी किसानों की चल रही है। जब 2019 में दुष्यंत चौटाला उचाना से लगभग 48,000 वोटों से उन्होंने प्रेमलता को हराया था, बीजेपी के उम्मीदवार को, बीजेपी जेजेपी की टक्कर थी, और जीतने के बाद सबसे पहले जब उचाना पहुंचे तो उन्होंने जनता से पूछा था कि मुझे बीजेपी के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2018 में जब इनकी पार्टी टूटी और नई पार्टी जींद से ही उन्होंने बनाई जींद, क्योंकि राजनीतिक राजधानी, आपने सही कहा, पार्टियां टूटती हैं, बनती हैं, यहीं से राजनीति एक बहुत बड़ा मैसेज यहां से मैसेज चलता है। तो दुष्यंत चौटाला ने जब पार्टी यहां से बनाई, उसके बाद 3 सीटें 2019 में जींद ने उनको दी, जुलाना से अमरजीत डांडा जेजेपी के, नरवाना से अमर रामनिवास सुरजाखेड़ा जेजेपी से, और खुद दुष्यंत चौटाला उचाना से। तो 3 सीटें इस जिले ने देने का काम किया, और लोगों की भावना थी कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन न करें, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था जी, 48,000 वोटों से एक तरफ उनको जीत हासिल करवाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर और लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की बात भी करेंगे, लेकिन लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाके उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। नतीजा सामने है कि लोकसभा चुनाव में उनकी माता को मात्र 4210 वोट मिले, बहुत नैना चौटाला को एक ह्यूमिलिएटिंग क्रशिंग डिफीट, बहुत
बड़ी शर्मनाक उचाना से हार उनके लिए हुई कि खुद जहाँ से मौजूदा विधायक हैं, खुद 48,000 वोटों से जीते, अपनी माँ को सिर्फ 42-10 वोट वहाँ से दिला पाए और 3.5+ बसपा के वोट थे, बसपा के आसपास उनके वहाँ पर वोट आए हैं, हालांकि सुनैना के भी थोड़े से कम थे, लेकिन यहाँ तक लेकिन मैटर यहाँ प्रेस्टीज जो स्टेक में थी वो दुष्यंत चौटाला की थी। यस, और 37,000 जयप्रकाश जेपी को वहां से जीत दर्ज करवा दी, एक तरफा जीत वहां से उन्होंने। ये जेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, ये जनता ने चुनाव लड़ा, किसानों के आंदोलन का प्रभाव था। और हुड्डा की भी नजरें जींद के ऊपर है, हुड्डा की नजरें तो देखिए जींद पर होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ किसी बड़े नेता का जो यहाँ के लोग कल कभी उनका कोई गढ़ नहीं रहा। हालांकि नेता बहुत बड़े हुए यहाँ से, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो 2005 के बाद कैथल शिफ्ट हो गए क्योंकि वो सीट रिजर्व हो गई नरवाना के अंदर, और इसके अलावा मांगेराम गुप्ता यहाँ से मंत्री होते थे, और अपना वीरेंद्र सिंह है, 3-3 मंत्री एक समय जींद से होते थे, लेकिन किसी नेता ने अपना यहाँ पर बड़ा गढ़ नहीं बनाया। यही एक वजह है कि चौटाला परिवार की भी नजरें यहाँ पर रहती हैं, क्योंकि दा की भी नजरें यहाँ पर रहती हैं। भाजपा का क्या है, भाजपा की भी देखिए या वो सरेंडर कर चुके हैं कि भाई जींद हमारे बस का नहीं है, लग रहा है ऐसा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक भी बड़ी रैली ना होना, ये लगता है कि भाजपा ने ये मान लिया है कि जो किसान वोट बैंक है या जो दूसरा वोट बैंक है वो शायद उनके लुभाने से रिझाने से लाख कोशिशों से नहीं आएगा। पहली बार ऐसा हुआ लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी ने कोई बड़ी रैली नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। बड़ोली चुनाव वोटिंग के बाद आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की थी और पत्रकारों में खड़े टकराव भी हो गया था और बहिष्कार भी उनका हो गया था इस बारे में कि अब कैसे याद आई। चुनाव टिकटार्थियों पर आती है तो उचाना का आपने बताया दुष्यंत चौटाला होंगे और इनेलो से सुनैना चौटाला हो सकती हैं, ये जुलाना अच्छा जुलाना से अच्छा उचाना से कौन हो सकता है, कांग्रेस से कौन हो सकता है? देखिए कांग्रेस से लगभग मान के चले कि वीरेंद्र सिंह के परिवार में से कोई ना कोई 50-52 साल राजनीति की है और देश के साथ पहले ऐसे एमपी थे कि जिन्होंने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया, तो लगभग मान के चले, हालांकि उनकी टिकट कट गई थी। कांग्रेस अब की बार बड़े अटैकिंग मोड में है, राहुल गांधी का भी जो एक तरह से एटीट्यूड दिख रहा है कि जैसे किरण चौधरी छोड़ के गई तो एकदम से मैसेज क्लियर था जिसको जाना है जाओ, तो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी टिकट ठीक ठाक बटी काफी टिकटें, तो उसी प्रकार लेकिन लगातार जो वीरेंद्र सिंह का परिवार है उनको मिल जाए तो किसानों की एंट्री हो सकती है उचाना में, 100% होगी किसानों की एंट्री, वो मन बना चुके हैं, मंथन इस बात पे चल रहा है कि उम्मीदवार कौन होगा, पंचायती कैंडिडेट उतारेंगे क्योंकि दुष्यंत चौटाला से नाराजगी चल रही है। जब ब्रजेंद्र सिंह एमपी होते थे इन्होंने हांसी में किसान आंदोलन के खिलाफ यानी 3 जो कृषि कानून थे एग्रो मार्केटिंग लॉज जिसमें हम बोलते हैं जो रिपील हो चुके हैं रद्द हो चुके हैं उनके पक्ष में रैली निकाली थी हांसी में और तब से लेकर आज तक किसानों का गुस्सा है कि ये उनको जो किसान बोलते थे कि 3 काले कानून हैं ब्लैक लॉज हैं उनको सपोर्ट करते थे समर्थन करते थे इसलिए वो गुस्सा आज भी है और यही एक वजह है कि उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा की सीट जो टिकट है इनको दी जाती है हिसार से तो किसान विरोध करेंगे और एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि इनको टिकट नहीं मिली। लेकिन अब मान के चलते हैं कि लगभग देखिए इतने साल से राजनीति की विधानसभा टिकट वो ले आएंगे तो दुष्यंत चौटाला ये कह चुके हैं ऐलान कर चुके हैं जी पॉसिबिलिटी है कि कोई अभय सिंह चौटाला परिवार से भी यहाँ आए लेकिन खैर सुनैना चौटाला की ज्यादा चर्चा है कि जुलाना से चुनाव लड़ेंगी तो हम उचाना के बाद सीधा जुलाना ही आते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूँ मैं तो इसके बाद जो बचता है वो बचता है किसान वर्ग वो अपना पंचायती उम्मीदवार कोई ना कोई उतारेंगे तो वहाँ पे चौटाला परिवार देवीलाल की जो परिवार है या जो किसान नेता रहे हैं सर छोटूराम उनका परिवार है और किसान जो वर्ग है 3 तरह की जो ट्रायंगल जो वहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी जो सबसे हॉट सीट जो इंटरेस्टिंग रहने वाली है वो उचाना रहने वाली है। इसके बाद आपने एक जिक्र और किया था कि हुड्डा की नजरें भी यहाँ पे हैं। हाँ देखिए हुड्डा को जींद ने हमेशा बहुत कुछ दिया यहाँ पे जब 2001-2 कंडेला कांड हुआ 8-9 किसान यहाँ पर मारे गए थे इस कांड में बुलगनी गांव जींद का ये वहाँ फायरिंग हुई थी उसके बाद हुड्डा का राइज कह सकते हैं हुड्डा का पॉलिटिकल उदय पॉलिटिकल एक राइज कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था वो हुड्डा के पॉलिटिकल करियर का उन्होंने प्रोटेस्ट किए यात्रा वो ऐसा पहला मौका था हुड्डा को मौका मिला था अपने आप को किसान नेता साबित करने का पैदल मार्च उन्होंने किया था और उसका मैसेज इतना जबरदस्त गया कि 2004-05 में सरकार आई तो जींद ने बहुत कुछ दिया और अभी भी आप थोड़ा पीछे अगर जाएंगे
कितनी कोई रैली है, कोई कार्यक्रम है, कुछ भी है तो जींद के जो आसपास का है उनकी खास नजर रहती है। क्योंकि दो अभी तो दो दिन पहले स्टेटमेंट थी, मुझे आप 5 सीटें दे दो मैं आपको सरकार दे दूंगा। हाँ, जींद के लोगों को उन्होंने यहाँ पे कहा था कि मुझे 5 सीट दो सरकार मैं दूंगा। 2009 में हालांकि 500 सीट इनेलो की थी, यहाँ पे एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आई थी, लेकिन बावजूद उसके लगातार जो है हुड्डा की नजरें यहाँ पे हैं, उसके बाद इनेलो की सीटें यहाँ पे आई जी। अब जेजेपी की 3 सीटें हैं हाँ। और लेकिन जेजेपी का जो जनाधार है वो खिसक चुका है यहाँ से, इसीलिए हुड्डा की नजरें। तो हम वो जुलाना पे आते हैं फिर उचाणा के बाद। मुझे जुलाना में बताइए कांग्रेस का कौन टिकटार्थी है, बीजेपी के कौन टिकटार्थी है, और इसके अलावा क्या कोई और इंडिपेंडेंट भी कुछ खेल बिगाड़ सकता है? वैसे तो टिकटार्थियों की आपने कहा कि लंबी लिस्ट है, अगर एक दो नाम लें तो फिर छोटेगा। प्रोमिनेंट नाम बताएं, प्रोमिनेंट नाम की बात करें मैंने इनेलो कांग्रेस का बताया मुझे आप। कांग्रेस में ढुल परिवार, एक परमेंद्र ढुल है, उनके ही परिवार से हैं धर्मेंद्र ढुल है, जो पहले चुनाव भी लड़े हैं, आमने सामने ढुल परिवार रहे हैं, अपने परिवार से ही हैं, इनेलो से कांग्रेस से लड़ते रहे हैं, लेकिन अब दोनों ही परिवार कांग्रेस में हैं। ठीक है। और दोनों ही हुड्डा गुट से आते हैं, सबसे बड़ी बात हाँ। कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन एक नई एंट्री भी जुलाना से हो गई है, आदित्य हाँ। लाठर की, जो MLC रहे, उनके पिता संजय लाठर यूपी में अखिलेश यादव बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके बेटे ने यहाँ पे कार्यालय खोल दिया है। तो एक संकेत तो यही है कि चुनाव का मन बना तो वो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट के रूप में जुलाना सीट ले सकते हैं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन बनाते पिछले दिनों मेरी संजय लाठर से बात भी हुई थी और मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि भाई अखिलेश यादव की राहुल गांधी से बात हो गई है और हमारी कोशिश है कि एक दो सीटें अहिरवाल में, कुछ मेवात में और एक जुलाना, हम ये 5 सीटों की मांग करेंगे और कोशिश है कि यह हमें इंडिया गठबंधन के रूप में ये सीटें मिल जाएंगी। तो इस ये तो आपकी न्यूज़ कंफर्म है। बिल्कुल, ये देखिए ज़्यादा डोमिनेटेड सीट है, जैसे जो उचाना थी वो ज़्यादा डोमिनेटेड सीट है, तो 50% लगभग से ज़्यादा के आसपास वहाँ पे जाट वोटर्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा जाट वोटर्स हैं। ऐसे ही जो सीट है जुलाना, ये जाट वोटर्स डोमिनेटेड सीट है, ऐसे में लाठर परिवार से कोई उम्मीदवार आ सकता है, कांग्रेस से ढोल परिवार से कोई आ सकता है, दोनों के अपने नज़दीकियाँ हैं। हुड्डा साहब का भी अपना कद है, एक स्टैंड है, उधर संजय लाठर के भी अपने नज़दीकियाँ, हो सकता है कांग्रेस यूपी में चुनाव को लेकर कोई फायदा उठाने के लिए मतलब कुछ ना कुछ समीकरण बन सकते हैं। बीजेपी से कौन आ सकता है? बीजेपी से भी यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है, अगर एक दो का अगर हम नाम ले तो फिर वही बात हो जाती है कि उम्मीदवार है क्योंकि पिछली बार तो यहाँ पे ढुल साहब ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी, छोड़ दी थी, तो कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर इस तरह का नहीं है कि कोई बड़ा चेहरा है, लोकल उम्मीदवार हैं कई, लेकिन जो बड़े चेहरों की हमने बात की है ढुल परिवार से है और फिर चौटाला परिवार से, सुनैना चौटाला इनेलो से हो सकती हैं, और तो जो अभी जेजेपी से के विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं या अभी वो दूसरे चौटाला के, वो अभी वैसे जेजेपी के साथ ही हैं, लेकिन वेट एंड वॉच वाले। लेकिन ये है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, सतपाल ब्रह्मचारी की कांग्रेस से जीत अगर इंश्योर की, जीत अगर उन्होंने दर्ज की तो जुलाना ने की है, जुलाना ने 24,000 वोटों से जिताया उन्होंने अकेले, तो जुलाना ने मैसेज दे दिया कि हम विधानसभा में क्या इससे भी जबरदस्त है, क्योंकि ब्रह्मचारी जीते पूरे लोकसभा से 21,816 वोट से और अकेले जुलाना ने 24,000 वोटों से जिताया उसको, तो ये एक मैसेज क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है, जेजेपी का कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि लोकसभा हमने पहली बार ऐसा देखा बहुत से लंबे समय के बाद, लोकसभा चुनावों को लोगों ने सरपंच के चुनाव की तरह लड़ा है, लोगों ने लड़ा, पार्टी ने नहीं लड़ा। तो आप सोचिए कि विधानसभा चुनाव में वो कितना माइक्रो लेवल पे जाकर चुनाव जाने वाला है, वोट की चोट करने वाले हैं। एक ट्रेंड आपने नोट किया होगा, अब की बार जो ग्रामीण इलाके में वोटिंग जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा था, शहरों में बहुत कम था जी। जनता अपने आप मन बना चुकी है, जनता डिसाइड कर चुकी है कहाँ उनको जाना है, किस तरीके से जाना है, इसीलिए ज़्यादा जो टर्नआउट आपने देखा होगा गांव के अंदर मिला था, और एक बड़ी जो जीत दर्ज उन्होंने जुड़ाना से की है, एक बहुत बड़ा मैसेज था। तो और एक और भी बात, यहाँ जाट नॉन जाट कास्ट फैक्टर भी नहीं चला यहाँ पे, जो बीजेपी का एक तरीका होता है वोटों को डिवाइड करने का, वो नहीं चला। बिल्कुल, देखिए जींद से मात्र 31 वोटों से हारे हैं यहाँ से कांग्रेसी कैंडिडेट, शहर से कितना बड़ा मार्जिन कवर कर लिया, कितनी बड़ी बात है कि शहर जो 1 लाख से ज्यादा वोट है शहर में, वहां पे 31 वोटों से मात्र। तो हम अगला जींद भाई आते हैं, जींद विधानसभा में कौन टिकटारते हैं? देखिए 3-4 बार से यहाँ पे मिड्डा परिवार काबिज है, तो बीजेपी का तो क्लियर हो गया। ऐसा क्लियर नहीं है क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रोड में तो है, रोड में है और अपने आप को मान के चल रहे हैं यहाँ से, लेकिन बहुत कैंडिडेट हैं बीजेपी के अंदर भी। अगर मुख्य बात करें कि जैसे जवाहर सैनी है, बहुत नज़दीकी समझा जाता है मनोहर लाल खट्टर के,
सुभाष बराड़ा के, नायब सिंह सैनी के, क्योंकि ये जो एक ग्रुप था इनका, ओम प्रकाश धनखड़ हैं या फिर बराड़ा हैं, नायब सिंह सैनी है, जवाहर सैनी है, एक समझा जाता है कि बहुत पुरानी दोस्ती है। पिछली बार भी बहुत नाराजगी जताई थी जवाहर सैनी ने, पार्टी तक छोड़ने की बात की थी कि 30-35 सालों से पार्टी कार्यकर्ता हूँ और मेरे को अनदेखा किया गया है, लेकिन अब बहुत एकदम से सक्रिय हो गए हैं सोशल मीडिया पे, मीटिंग्स लेना, थपकी भी, हाँ बता रहे हैं कि सैनी साहब से थपकी भी उनको लगी हो सकता है, तो वो अपने आप को की बार बहुत एक मजबूत दावेदारी मान के चल रहे हैं और वो तब अपनी फाइनल मान के चल रहे हैं जी। तो यहाँ बीजेपी से दो प्रत्याशी, मिड्डा परिवार और सैनी साहब, और भी हैं, और भी बहुत यहाँ पर उम्मीदवार हैं, प्रोमिनेंट दो ही हैं, प्रोमिनेंट अभी दो ही हैं, और कांग्रेस से बताया मुझे, कांग्रेस से 20 से ज्यादा कैंडिडेट हैं यहाँ पे, प्रोमिनेंट एक तो बता दीजिए। प्रोमिनेंट देखिए, मांगेराम गुप्ता के लड़के हैं जो अपने मंत्री रहे हैं, महावीर गुप्ता हैं, और इनके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट से राजकुमार गोयल हैं, और अपने रघुवीर भारद्वाज हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, सभी हुड्डा गुट के ही हैं, हुड्डा गुट के नहीं है, हुड्डा गुट के जैसे गुप्ता साहब हैं, प्रदीप गिल है, बलजीत रेडू है, लक्ष्य प्लांट के हैं, ऐसे तकरीबन मान के चलो आप यहाँ से 20 से ज़्यादा कैंडिडेट, बहुत 20 से ज़्यादा कैंडिडेट जुलाना से हैं, जिसमें कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, सब हैं, ऐसे 20-25 कैंडिडेट यहाँ पर सक्रिय हैं, लेकिन प्रोमिनेंट हम चेहरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो चेहरा मैंने अपना नाम लिया है, ये बहुत फ्रंट जी, तो जीन सही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और इनेलो या उससे भी कोई प्रोमिनेंट चेहरा जेजेपी से जो आपको लगता है? जेजेपी का तो हम शायद विधानसभा चुनाव में जो हाल होने वाला है वो हम एक उसका हम देख सकते हैं, वो लोकसभा ने दिखा दिया है जी, वो जी। मैं कहने की जरूरत नहीं तो है। बेटर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें कि इसलिए देखो हमारा जो बातचीत का फोकस है, अब की बार जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहने वाला है, डायरेक्ट जो कंटेस्ट होगा जैसे लोकसभा में हुआ, सेम जो मुकाबला है वो मुख्य मुकाबला हरियाणा के अंदर लगभग हर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के। इसके अलावा इसके बाद हम आते हैं नरवाणा पे, नरवाणा का मुझे बताएं। नरवाणा देखिए, सुरजेवाला का गढ़ ये सीट मानी जाती थी, लेकिन 2005 के बाद ये डिलिमिटेशन हुआ और परिसीमन के बाद ये रिजर्व सीट, ये तो ये सुरजेवाला साहब ना कैथल में शिफ्ट कलाए, कैथल में शिफ्ट हो गए, अब ये रिजर्व सीट है, लेकिन प्रभाव उनका वहाँ पे जरूर रहता है। अभी मौजूदा जेजेपी विधायक वहाँ से हैं, रामेश्वर लगड़ा, लेकिन शुरू से ही वो खिलाफ चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला के, और लगभग हर प्रोग्राम में उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो वो भी अपनी तरफ से बीजेपी की उम्मीदवारी मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से उनको एक मैसेज है। और इसी तरीके से संदीप लोट हैं भी, जो नौकरी उन्होंने छोड़ के रिजाइन करके इनेलो से लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो भी इनेलो से मान के चल सकते हैं उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वहाँ पे चौटाला परिवार वहाँ से खुद मुख्यमंत्री रहे हैं चौटाला साहब, दो चुनाव नरवाणा से था, तो एक माना जाता है अच्छा वोट बैंक उनका है, सुरजेवाला परिवार और चौटाला परिवार की वहाँ पर टक्कर रहती है हमेशा से। और बीजेपी कांग्रेस में भी कोई आपको ऐसा प्रोमिनेंट याद नाम? कांग्रेस में संजीव कल्याण बहुत लंबे समय से एक्टिव हैं, जो हुड्डा के बड़े नज़दीक माने जाते हैं, इस तरीके से काफ़ी कई चेहरे हैं, दनौदा से हैं कुछ चेहरे हैं, हर सीट आप मान के चलो जीन से 10 से 15 10 से 20 के बीच में उम्मीदवार हैं जी। हम उसके बाद सफीदो पे आते हैं, सफीदो सतपा ब्रह्मचारी अभी वहाँ से अभी एमपी का चुनाव भी जीते हैं, और वो गांगुली गांव से आते हैं, और गांगुली सफीदों में आता है जी। कांग्रेस से तो सुभाष गांगुली अभी, वो भी गाँव उसी गाँव से ही हैं जी जी जी, और लगभग ये कल्चर रहा है कांग्रेस का, कमी टिकट वो काटते हैं सिटी में एमएलए की, तो मान के चले कि सुभाष गांगुली है, और जसवीर देसवाल जो थोड़ा साइलेंट रहते हैं, हालांकि निर्दलीय बने और फिर बीजेपी में शामिल हो, जब रेड पड़ी उनके बाद तो उसके बाद से शामिल है वो, मतलब साइलेंट हो गए, जब बीजेपी अभी 10 साल से हरा चल रहा स्टेट में, तो एक बड़ी बहुत बड़ी रेड पड़ी थी इनके ठिकानों पे, बड़े कारोबारी हैं वो अपना पोल्ट्री बिजनेस के। बीजेपी से कौन हो सकते हैं सफेदों से? दावेदारी कई हैं, करमबीर सैनी अपने दावेदारी जता रहे हैं वहाँ से, जो पहले कांग्रेस में होते थे लेकिन अब लंबे समय से बीजेपी में हैं, और बच्चन सिंह आर्य भी वहाँ पे एक उम्मीदवार हो सकते हैं, जो रोड जो आर्य साहब हैं, और अपना कलीराम पटवारी हैं, और जसवीर देसवाल हैं, कई उम्मीदवार हैं जो, क्योंकि जसवीर देसवाल एक उनका अच्छा खासा प्रभाव है बिजनेसमैन होने नाते, वो एक सामाजिक आदमी भी हैं और लंबे समय से वहाँ पे एक्टिव भी रहे हैं, निर्दलीय विधायक भी वहाँ से खुद बने हैं वो, तो एक मुकाबला जो रहेगा वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में रहेगा, और मान के चलें कि जो मैंने प्रोमिनेंट जो आपको नाम जी, तो हमने 5 विधानसभा की बात कर ली है, हमने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।